सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लाइव हो मेरे चैनल पर यानी किशोर कुमार बैनर्जी पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैकेट लग चुकी है, मतलब ठंड गिर चुकी है कलकत्ता में, और नवंबर से आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं दाढ़ी उगा के रखा हूँ। ये बेसिकली कैंसर अवेयरनेस की सपोर्ट के लिए है, कैंसर अवेयरनेस सपोर्ट रहता है, नो शेव नवंबर रहता है, इसलिए मैंने दाढ़ी उगा के रखी है। और आगे बात करते हैं कि रिसेंटली मुझे कुछ मेल्स मिले हैं मेरे व्यूअर्स से। तो मुना ऐसे एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे मेल किया था और उन्होंने पूछा था कि YouTube में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं जो रेगुलरली YouTube में प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैंने उन्हीं का जिक्र किया उनसे। तो होपफुली मुना तुम्हें हेल्प मिले, उम्मीद है फ्यूचर में तुम्हें हेल्प मिले और तुम्हारे फ्यूचर के सक्सेस के लिए बेस्ट विशेस। और दूसरे यूट्यूबर से या फिर व्यूअर से मैं ये कहूँगा कि आप सवाल कर सकते हो मुझे, कुछ भी YouTube रिलेटेड हो, नॉन YouTube रिलेटेड हो, कुछ भी सवाल कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सब सवालों के जवाब देने की। तो मेरा मेल आईडी इधर है, आप देख पा रहे हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेटिंग्स में भी मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। तो सवाल कीजिए, बेसिकली मैं जवाब देने को तैयार हूँ। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है एक सीरियस टॉपिक, जो डेटा एंट्री फ्रॉड चल रहा है हमारे इंडिया में, उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो लोग जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर 12th पास कर रहे हैं और इस चक्कर में गिर जा रहे हैं और उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत दे देता हूँ कि क्या होता क्या होता नहीं है, और वो समझ जाए और उन्हें ये परेशानियाँ सहनी ना पड़े, बेसिकली इसलिए करना चाहता हूँ। तो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे भी रहेंगे इस वीडियो में, तो मैं वो शेयर करूंगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो। तो आगे वीडियो लंबा बनेगा बेसिकली, तो वीडियो देखते रहिए आगे। और जो व्यूअर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ताज़ातरीन वीडियो लाता रहता हूं। तो और सब बेल आइकन को रिंग कर लीजिएगा बेसिकली, क्योंकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस डेटा एंट्री फ्रॉड, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या होता क्या होता नहीं है, आपको भी पता चलेगा और आपको भी हेल्प मिलेगा इस चीज से। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिकली ये सारे प्रिंटिंग्स और होर्डिंग्स आपको मिलते होंगे, आप देख पाते होंगे, डेटा एंट्री जॉब्स अवेलेबल, वर्क फ्रॉम होम एसेट्रा एसेट्रा, घर बैठे पैसे कमाइए, इस टाइप का चीज आपको ये मिलते होंगे। एक बस स्टैंड में मिलता है, रेलवे स्टेशन में मिल जाता है, कॉलेजेस में मिलता है, स्कूल्स में मिलता है, ज़्यादातर मिल जाता है ये चीज़। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो हुआ ऐसा कि मैं मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन का टाइम था और मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, जॉब खोज रहा था, तो उसी टाइम में मुझे भी दिखा ये सब। तो मैं इस चीज़ पे गया बेसिकली, और एक घर जैसा था बेसिकली, उसी में गया। तो वहाँ वर्क फ्रॉम होम जो चीज़ रहता है, टाइपिंग वर्क का चीज़ था, टाइपिंग का था, तो लिखा था कि वर्ड्स के बेसिस पे आपको मिलेगा अमाउंट जो भी। तो वहाँ मैं गया तो पहले जो चीज़ है, हल्का सा छोटा मोटा एनवायरमेंट है, दो तीन आदमी बैठे हुए थे और दो तीन कस्टमर भी बैठे हुए थे मेरी तरह, जो लोग जा रहे हैं इंटरव्यूअर या कुछ भी बोल लूँ, तो वैसे टाइप के लोग भी बैठे हुए थे। तो मैं सोचा चलो जेन्युइन है, मैंने भी सोचा चलो जेन्युइन है, देख लेते हैं। और फिर गया भीतर घुसा तो सब बातचीतें हो रही थी बेसिकली, बातचीत करते करते पता चला कि इस तरह का काम रहता है, पैसा एक रजिस्ट्रेशन फीस रहता है आपको देने की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन फीस उस समय 3000 जैसा था मेरे टाइम पे, मैं करीब 5 साल आगे की बात कर रहा हूँ, अभी तो शायद 10,000 होगा, और मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, पैन इंडिया में तो शायद ज़्यादा ही होगा उससे। तो ऐसा है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रूरत है और आगे आपको घर में मतलब वो दे देंगे आर्टिकल, वो आपको बस टाइप करके लेके आना है, वर्ड फॉर्मेट पे टाइप करने से भी हो जाएगा, लाके सबमिट कर देना है और उस हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो ऐसा है कि वो देंगे आपको वर्ड्स, कुछ आर्टिकल रहेंगे, वही लिख के रखते हैं उस चीज़ को, और ऐसा होता है कि इसी तरीके से लिख के देंगे चीज़ को कि आपकी गलती रहे उसमें, मतलब जैसे कि आई और एल को एक ही तरीके से लिख के रखते हैं, आप आई या एल लिखे दोनों ही गलत है, फिर सी और ई इसमें भी आप गए समझ लीजिए। तो ऐसे चीज़ होते हैं बेसिकली। तो आप करेंगे टाइप, देंगे
वो लोग देंगे नहीं। और रजिस्ट्रेशन फीस पकड़ लीजिए, अगर 10,000 में मानता हूँ तो 10,000 आपको उठाने में पकड़ लीजिए 4-5 महीने लग जाए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में देने माफिक, और मैं दे भी नहीं पाया, मैं निकल के आया। मगर निकलने से पहले मैंने एक वयस्क आदमी थे मेरे पास ही, वो भी आए थे यहाँ पे जानने के लिए और कर रहे थे शायद, हाँ कर रहे थे, 3 महीना जैसा हो गया था वो कर रहे थे। मैं बाहर गया, उनसे बात किया इस चीज़ पे कि कैसा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा हल्का वल्का थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इसका मतलब आप 10,000 दे दो, 10,000 देने के बाद 2,500 करके लेते रहो, 4 महीना आपका गया, पैसा गया, समय गया, सब बर्बाद। तो ये चीज़ होता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए बेसिकली। और आपको समझना है कि एक बिजनेस है, अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस के पास क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा या सर्विस रहेगा, वो सेल करेंगे कस्टमर्स को, उसके बाद उससे जो पैसा आएगा उसी से निकाल के अपने एम्प्लॉइज, अपने जिन्होंने काम किया है उनको देंगे। आपको समझना है ये जो आर्टिकल है ये किस काम में लगेगा। एडिटोरियल सेक्शन में अगर पकड़ूँ न्यूज़पेपर में ये काम नहीं लगने वाला, क्योंकि एडिटोरियल के लिए उनके पास एडिटर्स है अलग से। अगर मैं पकड़ूँ कि टेक्स्ट बुक में लगेगा, तो टेक्स्ट बुक में क्यों लगेगा, टेक्स्ट बुक के लिए वो भी एडिटर्स है अलग से, तो लगेगा कहाँ, ये लगने वाला है ही नहीं, ये खुद ये लोग बनाते हैं, ये लोग खुद सेल करते हैं समझ लीजिए। और इतने मतलब शातिर काइंड ऑफ है ये लोग कि पकड़ लीजिए एक दो आदमी को पकड़ लिया, उनको 10,000 के 10,000 दे दिए, पकड़ लीजिए 10,000 दे दिए उनको। और 10,000 देने के बाद क्या होता है कि उनके पास अगर इर्द गिर्द कोई आदमी आया और उनसे पूछा कि चलो कैसा चल रहा है भाई, टाइप तुम तो टाइपिंग उसे थे, कैसा चल रहा है भाई, तो उन्होंने कहा ना भाई मेरे को तो पैसा मिला है, ऐसा अगर वो कहे तो ये गुडविल के लिए एक दो जगह दे देते हैं और 10 और को ट्रैप में गिराते हैं। तो ऐसा रहता है ये चीज़, तो ये आपको समझना है बेसिकली। तो इसी तरीके से ये बिजनेस चलाते रहते हैं। तो ये चल रहा था, ऐसा चलता है बेसिकली डेटा एंट्री में। तो डेटा एंट्री का ये जो जॉब है ये आपको ज़्यादातर मिलेगा, एक तो मैंने कह दिया कैसे आपको ऑफलाइन मीडियम पे मिलता है, वो बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, ये रेलवे स्टेशन, ये सब जगहों पे। और ये लोग अभी इंटरनेट पे भी घुस चुके हैं। अब इंटरनेट पे कहाँ मिलेगा आपको ये सब चीज़, इंडीड में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, टाइम्स जॉब में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, वर्क फ्रॉम होम का जहाँ भी दिख रहा है वो गलत है आप समझ लीजिए। क्योंकि डेटा एंट्री का जो मैनुअल जॉब रहता है वो BPS, स्पेशली BPS सेगमेंट में है, TCS खुद करवाता है, विप्रो है, जो लोग खुद डेटा एंट्री नहीं कहते उसको BPS जॉब कहते हैं, जहाँ काम करते हैं बेसिकली। और इस तरीके का होता है जॉब। और इस साइड मेरी बहन खुद काम कर रही है BPS में, TCS में, तो ऐसा रहता है जॉब बेसिकली। इस तरीके का नहीं होता है कि आप बस टाइप किए और पैसा मिल गया आपको, ऐसा जॉब कहीं नहीं है कि घर में बैठ के आप कमा लो। घर में बैठ के अगर आप 15-20-25,000 कमा लेते तो आदमी सुबह उठ के सारा दिन काम करके फिर क्यों आए, काम करने के बाद 10-15,000 क्यों लाए। आप अगर घर में बैठ के 25,000 कमा लेते तो एक डॉक्टर क्यों काम करे 75,000 के लिए, कहे 75,000 घर में बैठ के कमा ले सकता है, या फिर पकड़ लिया ऑफिस का स्टाफ है, ऑफिस का एम्प्लॉय है, वो कहा जाए बाहर चलो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, ऐसा होता है नहीं, इसलिए आपको समझना है ये। और जेन्युइनली अगर मैं कहूँ तो आप अगर जॉब खोज ही रहे हो तो जो मैं अपने भाई बहन जो लोग जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या फिर पकड़ लीजिए 12 दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, उनसे कहूँगा अगर आप लोग जॉब खोज रहे हो तो आप दो साइट ऐसे हैं आप जाइए वहाँ जेन्युइनली आपको अच्छे से मिलेंगे चीज़। एक है लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ कंपनीज ही रजिस्टर करती है अपने आप को और आप भी कर सकते हो, अपने आप को प्रोफाइल अपना बना सकते हो, वहाँ CV अपलोड कर सकते हो और कंपनीज के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। आप कंपनीज को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जॉब्स देख सकते हो, लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन आप देख सकते हो, नौकरी आप देख सकते हो, नौकरी बहुत अच्छा जॉब पोर्टल है। तो ये सारे जॉब पोर्टल में जाइए बेसिकली, इन्हें जॉब पोर्टल कहते हैं, और इन सब में आप जा सकते हो, इन सब में अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब से इंटरव्यू दीजिए, जेन्युइन इंटरव्यूज होंगे आपके और आपको जॉब मिल जाएगा अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे सके तो, ऐसा है। और एक चीज़ मैं जाने से पहले फिर बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं, एक रहता है मेहनती, एक रहता है आलसी। मेहनती आदमी मेहनत करके पैसा कमाना जानता है, आलसी आदमी रहता है वो मेहनती आदमी को उल्लू बना के पैसा कमाने की कोशिश करता है, धांधलेबाजी करता है उनके साथ। तो ये आपको समझना है कि आलसी आदमी जो लोग हैं वही ये सब करते हैं, फ्रॉड ये लोग ही करते हैं, डेटा एंट्री के नाम पे फ्रॉड कहाँ आपको दिखेगा, ये सब ये सारा माल जो टाइप कर रहे हो आपको कहाँ सेल करोगे,
कहाँ से पैसा आएगा जो आपको पैसा फिर से वो घुमा के देंगे, मतलब तुमसे पैसा ले लो, आपसे 10,000 ले ले रहा है वो, 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस का, मार दो वो पैसा, वही है बेसिक फंड है इस चीज़ का। एक दो को दे देंगे, जाल को और बड़ा करेंगे, फिर से चालू कर देंगे ये चीज़। ये समझ लीजिएगा, मत जाइएगा ये सब चीज़ों में, क्योंकि आप लोग भी अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हो, सब लोग हम लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं अच्छा। तो जो मैंने कहा नौकरी और लिंक्डइन, इन दोनों को, इन दोनों में जाइए, इन दोनों में प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, CV बनाइए अपना, वहाँ जाके दीजिए। आई एम श्योर यू डू गुड, आई थिंक सो, बिकॉज यू ऑल आर फॉर अ ड्रीम एंड यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो कीजिए ये चीज़, डोंट गो इन टू सच ट्रैप्स, वर्किंग फ्रॉम होम गेटिंग मनी वाया जस्ट टाइपिंग, कम ऑन, सच थिंग्स डू नॉट हैपन बेसिकली। सो मत जाइए ये सब चीज़ में, और बेस्ट विशेस आप सबको, मैं कहता हूँ बेस्ट विशेस फ्यूचर के लिए। और कुछ भी क्वेश्चन और भी रहे इन इस चीज़ पे तो पूछ सकते हो मुझे, मैं हूँ, मैंने जैसे कहा कि मेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो पूछ सकते हो मुझे कुछ भी। और तो दोस्तों यहीं पे करता हूँ आज के वीडियो को एंड, और वीडियो को एंड करने से पहले कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलूँगा ज़रूर।